Assalamu alaikum, kem chho, sat sri akal, ke ro hale kasaka, namaste, kem ho acho and welcome to Big Boss Season 14, yani ke Big Boss Season 14 ka review with me Amir Ansari. Kya ho raha hai mera bhai? I mean literally speaking, the idea of Big Boss to entertain the audience is by making Rakhi Sawant put, you know, heavy makeup on her face, you know, put a black eyeshadow on her eyes and spook the shit out of kids at night 11:30. Samajh mein nahi aaya? Samjhata hu. बिग बॉस का क्या आइडिया है मेरा भाई, रात को 11:30 बजे फैमिली सब बैठ के बिग बॉस देखती है। फैमिली शो तो ये पहले से था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करने के लिए बैठ के देखती है। यहाँ पर राखी सावंत अपने मुंह पर पूरा मेकअप पोत के, आंख पे पूरा काजल वाजल लगा के, भूतिया झूली बन के इतना इरिटेट किया राखी सावंत ने, लिटरली बोल रहा हूँ, कितनी बार तो मेरे को मेरा हेडफोन निकाल के साइड में रखना पड़ा, मेरा आधा सर दुख गया। मैंने बोला एक हेडफोन लगा के मैं देखता हूँ बिग बॉस, मेरा आधा ये सर पूरा ये साइड का पकड़ा हुआ है गाइस। व्हाट द फक मैन, आर यू क्रेजी मैन, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्रिंज फेस्ट। ये कम नहीं पड़ा तो उसके बाद जैस्मिन पपीता यहाँ पर वो भी चिल्ला रही है, हॉरिबल मैन। इतना आज का एपिसोड हैमी था, ऐसा लग रहा है कि 70s की पुरानी पिक्चर में वो सब विलन लोग रहती थी ना, वैसी पगली बन के घूम रही, क्यों नाटक, अरे हंसी भी नहीं आ रही है, रोने को आ रहा, मन कर रहा कब एपिसोड खत्म होएगा आज का, अरे करो मस्ती मजाक करो, ये फालतू की कल फिर से वो बन के आने वाली है जूली। हाँ साला पागल है, रात भर जूली दिमाग में चलता है, पता है मेरे को वैसे मजा नहीं आता है इंडियन भूत देख के, सच्ची बोल रहा हूँ। अरे मेरे को एनाबेले दिखा दो, कंजूरिंग दिखा दो, मैं हंस के थिएटर में आता हूँ, पता है एनाबेले का तुम लोग पूरी दुनिया में एक ही पागल होगा जिसने एनाबेले का हॉरर मूवी का कॉमेडी रिव्यू बना दिया, वो मैं था, 20 मिनट का रिव्यू दिया सब भूत लोग के नाम रख रख के उसमें, लेकिन मेरे को पता नहीं इंडियन भूत से क्यों डर लगता है, राखी इज स्पूकी मेरा भाई, मेरे को बहुत घबराहट सी हो रही है राखी सावंत को लेकर। अभी ऐसा चलता रहा तो मैं कल का रिव्यू नहीं देने वाला, मजाक करो, चलेगा आज के एपिसोड शुरू करते हैं। जूली जूली, अरे जूली का दिल तुम पे आया जूली, अरे भाई हमारी आज नई पिक्चर अनाउंसमेंट हुई है सूरज बजाजिया के साथ, बाग सलाम का पिक्चर अनाउंसमेंट हुआ है, हमारा गाना देखे खाबिदा, अरे भाई वो गाना बनाए तुम, अरे साले पागल नच बली है वो गाने में, साले तुम क्या कर रहे हो भाई पोस्टर के सामने नंगे होकर, है बाग सलाम बच्चन हुआ तेरा बॉडी नहीं ना तो जल रहा है हमसे, अरे भाई रिव्यू क्यों, चलिए मेरे फ्रेंड्स गाना बजा आज का जूली जूली। लेकिन गाइस यहाँ पर जैसे गाना बजता है घर के बाहर जब जाते हैं वहां पर इतना बड़ा सेटअप लगा गया है, खंडर का सेटअप। अब गाइस यहाँ पर कहते हैं ना कि कटरीना को देख लिया डांस करते हुए, बिपाशा को डांस करते हुए देख लिया, दीपिका को देख लिया, लेकिन क्या आपने सोनाली को डांस करते हुए देखा है? मेरा भाई सोनाली आंटी परफॉर्मेंस इन जूली जूली, जूली का दिल आया जूली इज एब्सोल्युटली गोल्ड, बहुत अच्छी डांस कर रही है बंदी। लेकिन गाइज यहाँ पर कैप्टन जो है वो यहाँ पर अर्शी को कुछ बोलने रहे, अर्शी का बर्तन धोने का टास्क है। अब राखी ने अर्शी से कहा कि बर्तन धो ले, इस बर्तन के झगड़े में रूबी एंड एजाज भिड़ गए, वो तो मौका ढूंढते हैं एक दूसरे से भिड़ने के लिए। अब गाइज यहाँ पर अर्शी कहती है मैं जो बर्तन धो रही हूँ ना मैं अपनी मर्जी से धो रही हूँ, किसी ने मुझे बोला नहीं है करने के लिए, समझ में आया? जैस्मिन बोलती है कि विकास मास्टरमाइंड नहीं है। देखिए गाइस जैस्मिन ने जो विकास का एनालिसिस किया है, सबसे पहले बात तो मैं गाइस आई एम वेरी पेक्यूलर अबाउट यू नो हाउ गर्ल्स ड्रेस एंड ऑल दैट शो में, हमारा बेसिकली मस्ती उस पर चलती रहती है हम लोग की, यू नो कि किसने क्या खाया पिया क्या पहना, एंड ये पूरे 90 डेज के सफर में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा एंड आई थिंक आप सब मुझसे अग्री करते हैं कि जैस्मिन भसीन हैज लॉस्ट मैसिव वेट। वो बंदी कैसी आई थी अभी कैसी लग रही, शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, उसने बहुत वेट लूज किया जैस्मिन भसीन ने, तो हैट्स ऑफ टू हर। अब गाइज जहाँ पे जैस्मिन ने हमें बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया, उन्होंने कहा है कि विकास को मास्टरमाइंड नहीं है, वो यहाँ पर पहले सिंपथी लेता है फिर उसके बाद एक झगड़ा करता है, टास्क में एकदम परफेक्ट होके आ जाता है एंड उसके बाद बाकी के दिन दवाई खा के खाना खा के सो जाता है, इसका एक फिक्स पैटर्न है, वो यहाँ पे कोई मास्टरमाइंड नहीं है। गाइस ये तो मैं अग्री करता हूँ, उसका यही प्लान है, कल टास्क में इतना परफॉर्म करेगा फिर बाद में एक टॉपिक लेकर सिंपथी लेगा फिर बाहर की फैमिली प्रॉब्लम लेकर आ जाएगा रोएगा बैठ कर। हाँ जैस्मिन कहती है सबके घर में फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो ये अपना कोई नया नाटक लेकर आ रहा है। हाँ अरे भाई नच बलिए अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताइए, चो भाई क्या बकवास कर रहा है सला पक तो गाइस यहाँ पर अरे बोल दीजिए भाई अब बोल दीजिए, तेरा बेटे के बारे में बोलना अभिषेक के बारे में
उसका बारे में काहे नहीं बोलता है तू। अरे भाई चलिए आगे बढ़िए, काम शुरू कीजिए। तो गाइस यहाँ पर अब सबसे पहले राखी जूली बन जाती है, मौज बाल एकदम खोल दिए उसने, आंख पे पूरा काजल मल दिया, लिपस्टिक लगा दी, मुंह पूरा गोरा कर दिया। अब गाइस यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर मैं एजाज के बच्चे की माँ हूँ। हाँ ऐसा चिल्ला रहे, आ पूरा हेडफोन फट गया मेरा। अब गाइस यहाँ पर कहती है आमी मोंजोलिका, आमी भूत, आमी खाबो, आमी धोबो। हाँ अब गाइस यहाँ पे कॉफी जो है राखी की को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे लोग, एंड राखी कहती है जो भी मेरे कॉफी पे स्पाई करेगा वो मर जाएगा, हाँ उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ऐसा बोल रही थी। अब ये चोरी करने वाले कौन गैंग है? अली गोनी गैंग। अली गोनी कहता है तुम क्यों बोल रही हो कि एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा कोई, पागल हो गए तुम? कौन बोला पागल होने का तुमको? अली गोनी भी चढ़ गया उसके ऊपर, एंड अली गोनी को देखते हुए जैस्मिन फूल चढ़ के फेस टू फेस आ गई। अली कहता है उखाड़ ले, चोरी करूंगा, समझ गया ना, चल निकल यहाँ से, थू है तेरे पे बेकार औरत। राखी बोलती है हाँ। पूरा राखी सर पे डाई लगाई हुई है, डेली डाई, ऐसा बिग बॉस डाई फ्री में दे रहा है। वो कहते हैं ना कि सांप को कहते ना अन्ना एक मसाला डोसा देना, हाँ और साथ में सांबर देना। ठीक है सांबर दिया, फिर से अन्ना थोड़ा और सांबर देना, हाँ ले 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 फ्री है सांबर, फ्री है एक और वाटी सांबर देना। यहाँ पे लोग को डाई सांबर की तरह मिली, राहुल वैद्य, राहुल महाजन डाई लगा के घूम रहा है, हाँ अर्शी डाई लगा रही है, पूरा डाई की दुकान बना के रख दी है लोगों ने वहां पर। अब गए ये झगड़े में जैस्मिन राखी का मुंह भी पकड़ लेती है, जैस्मिन कहती है कि विकास तूने झगड़ा लगा है, अब भाग गया से। अब राखी अर्शी भी भिड़ जाते हैं, राखी कहती है अर्शी ए सड़ेली, वो बोलती है अबे मैं नहीं सड़ेली, अबे तू सड़ेली। मतलब रोड साइड जैसा लोग फाइट करते हैं ना, उस प्रकार की यहाँ पे फाइटिंग चल रही थी, जो देख के काफी निंदनीय, और काफी निंदनीय लग रही है भाई आप लोग ऐसे झगड़ रहे हैं। अब गई इसके बाद राखी सावंत क्या करी तुम लोगों को पता है? विकास गुप्ता ने उस दिन जूस में स्पिट किया था, यहाँ पर राखी सावंत आती है एंड वो कॉफी में स्पिट कर देती है। ये ड्रामा एक जगह चल रहा है तो वहां पर राहुल वैद्य एंड अर्शी खान दोनों बैठ के झगड़ा कर रहे हैं। राहुल कहता है ये अर्शी तेरे हल्की धमकी मुझे मत दे, समझ में आ गया? अर्शी बोलती है हम हल्के नहीं है राहुल वैद्य, आप हौका हौ। उसकी एक्टिंग अपने सलमान खान ने निकाली है ना, राहुल वैद्य भी उसको मतलब यहाँ पे उछड़ाने की कोशिश कर रहा है, एंड यहाँ पर कहती है मैं हल्की नहीं हूँ, तू हल्की है, तू तू हल्का है राहुल वैद्य, मुझे धमकी मत दे, समझ में आ गया? अर्शी कहती तू हल्का आदमी है, राहुल कहता है मैं हल्का आदमी हूँ, अर्शी खान तू बगारत है, बगारत है, उसको फूल चढ़ाता है। अर्शी कहती है राहुल तू नल्ला है, तो औरतों की इज्जत नहीं करता, समझ में आ गया? अर्शी जाकर राहुल को हाथ लगाती है, राहुल वैद्य कहता है डोंट टच मी, डोंट ट्राई टू टच मी, समझ में आ गया? अर्शी कहती है अरे अरे आपको टच किया क्या, अरे मेरा हाथ गंदा हो गया कि उसका हाथ भी धोती है। अब गाइस अर्शी यहाँ पे कहती है कि वैद्य जो लोग कहते थे कि यू नो कि औरतों की इज्जत नहीं करता वो एक्चुअली में सही है। यहाँ पर वो कहती है कि वैद्य ने मुझे कहा कि तेरा वजन भारी है एंड इसके लिए वो काफी ऑफेंडेड फील की। देखिए गाइस जब लड़की वुमेन कार्ड खेलती है तो काफी एविडेंट हो जाता है। जैस्मिन ने वुमेन कार्ड खेला था स्टार्टिंग में राहुल वैद्य के अगेंस्ट, वो एपिसोड तो बहुत ही बेकार था, सब लोग इंक्लूडिंग मी जैस्मिन के यू नो बहकावे में आ गए थे कि जैस्मिन वाकई में यू नो बिचारी, उस पर अत्याचार हुआ था। यहाँ पर अर्शी खान खुला दिख रहा था कि वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। अब गाइस अली यहाँ पे कहता है हमने ही राखी अर्शी को फ्रीडम दी है इसीलिए वो हमारे सर पर चढ़ रहे हैं। राहुल महाजन यहाँ पे कहता है अर्शी खान डोंट डू गर्ल एंड बॉय, गर्ल एंड बॉय। अर्शी खान कहती है अच्छा तुम लड़के लोग टी शर्ट निकाले घूम सकते हो, हाँ क्या हम औरत लोग यहाँ पे टी शर्ट निकाले घूम सकते हैं? हाँ वो फुल गुस्से में आ जाती है गाइस। यहाँ पर अर्शी कहती है यहाँ पर राहुल वैद्य जो है वो यहाँ पर बॉडी शेमिंग कर रहा है मेरी। महाजन जाके वैद्य को बोलता है तू क्या बॉडी शेमिंग कर रहा है क्या? हाँ अली बोलता है उसको फीमेल वुमन कार्ड खेलना था, उसने वुमन कार्ड खेल लिया, दैट्स इट। राहुल वैद्य बोलता है अरे भाई मैंने उसको भारी वजन नहीं बोला, मैंने बोला तू भारी बर्तन है, अंदर खाली है तू। अब अर्शी यहाँ पे बैठ के अभिनव के साथ हंस रही, हा 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 मैंने वुमन कार्ड, हा 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 वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, वीकेंड पे उसको देख लूंगी। मतलब पूरा नाटक चल रहा था आज, राखी सावंत से लेके अर्शी खान तक सब लोग नाटक कर रहे थे। अब गए राखी कहती है देख राहुल मैंने ना कॉफी में थूक दिया। राहुल वैद्य कह रहा है काहे को थूक दिया? राहुल वैद्य और राखी की जो कॉन्वर्सेशन होती है कल MBBS वाला एंड आज कॉफी वाला वो बहुत ही मस्त थी, काफी मुझे कॉमेडी लगा। अब गए यहाँ पर जैस्मिन कहती है शी इज डिस्गस्टिंग,
किसको, अर्शी को बोल रही है। यहाँ पे अर्शी कहती है मैं अपने अब्बा का खाती हूँ, वो भी यहाँ पर समझ में आ गया ना, किसी और का नहीं खाती हूँ। और वो राहुल वैद्य मेरे को बॉडी शेम कर रहा है साले बटले, उसको खुद बटला चिल्ला रही है। अब गाइस यहाँ पर राखी फुल मेकअप लगा देती है एंड अभिनव के पास जाके बैठ जाती है। अभिनव सन टैनिंग कर रहा है मस्त जाके, अभिनव को देख के राहुल वैद्य भी सन टैनिंग करने के जाता है। राखी उसके बाजू में लेटी हुई है। यहाँ पे रूबीना बोलती है हमारे पति के पास से हट जाओ। राखी कहती है ये पुरुषोत्तम साहब है, हमारा 200 साल पुराना रिश्ता है। यहाँ पे फुल अभिनव भी कहता है उसको जाइए आप जाकर सेब लेकर आइए। तो वो जाती है सेब लेकर आती है पूरा भूत बन के, फुल ड्रामा चल रहा था। अभिनव कहता है सेब है ना, सेब के छिलके निकाल कर आइए। तो छिलके निकाल कर आती है। अब गाइस यहाँ पर जैस्मिन जो है वहां बैठी थी एंड यहाँ पर राखी ने कहा ए पपीता। जैस्मिन बोलती है हिम्मत है तो नाम बोल के दिखा ना। हाँ यहाँ पर बोलती है महाजन, महाजन के बिस्तर पर चढ़ जाती है राखी। 11:30 बजे भूत बन के नेशनल टेलीविजन पे सबका जाम कर रही है राखी सावंत। लिटरली हर हॉरर एक्ट इज वेरी रियल। ये कि मेरे को ओवर टॉप लग रहा है, मेरे को फट रही है राखी सावंत को देख के, लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, उसने जो गंदा मेकअप किया है वो एकदम स्पूकी लग रहा है। राहुल महाजन को कहती है तेरे को गाड़ दूंगी यार, समझ गया। अब निकी एंड जैस्मिन सोचते हैं कि चलो राखी सावंत की मजे लिए जाए। निकी एंड जैस्मिन जो है उसकी जो मुंडी रहती है उसकी मुंडी लेते हैं, मस्त मुंडी से फुटबॉल खेलते हैं, उसके ऊपर कवर निकाल देते हैं, अंदर का थर्मोकॉल बचता है ना वो रखती है। राखी हंस रही जैस्मिन क्या करती है, वो मुंडी है ना, मुंडी लेके राखी के मुंह पे डाल देती है पीछे से। अब क्या हुआ, वो जो मुंडी थी, जो मुंडी यहाँ पे आ रही थी उसकी मुंडी पे, वो यहाँ पे स्लाइड होके चली गई। फिर तो शुरू हुआ द ग्रेट राखी सावंत रोना धोना। अरे ये क्या खाना है, डायलॉग याद है तुम लोग को, ऐसा रो रही थी वो, बाप रे बाप, मतलब इतना इरिटेटिंग, इतना फ्रस्ट्रेटिंग था। एंड गाइस उसके बाद व्हाट आर यू टीचिंग किड्स ऑन द टेलीविजन, सेल्फ हार्म, हाँ SH, हॉरिबल मैन। आई नो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिज, इट्स अ डिजीज मैन, सेल्फ हार्म। तुम नहीं ऐसे टीवी पे दिखाओ, दीज आर ट्रिगर मोमेंट्स फॉर द ऑडियंसेस। आई थिंक बिग बॉस को ये सब सेंसर कर देना चाहिए ये सब। राखी सावंत अपने आप को मार रही है ऊपर टेबल पे बैठ कर, हाँ एंड यहाँ पर पूरी चिल्ला रही है, रो रही है, हाँ। अब गाइस ये हो गया खत्म, तो निक्की एंड जैस्मिन भी रो रही है। निक्की तो नहीं रो रही थी, जैस्मिन भी रो रही है बैठ कर वहां पर। अब गाइस यहाँ पे सोनाली कहती है कि राखी सावंत की नाक पे सर्जरी हुई है, समझ में आया। राहुल महाजन कहता है काय की सर्जरी, तो टाके सर्जरी के 10 दिन में निकल जाते हैं, अभी काय को नाटक कर रही। तो रूबीना कहती है एवरी वन इज बाइंग दिस ड्रामा, यानी कि राखी सावंत जो रो रही है इसका ड्रामा सब लोग बाय कर रहे हैं। अभिनव आके कहता है उसकी मजाक मत उड़ा, वो रो रही है। एजाज भाई साहब कहते हैं मैंने देखा कि जैस्मिन ने पीछे से फेंका ना, उसको नाक पे लग गया। अब गाइस अली भी जैस्मिन को कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा मजाक मत करो राखी सावंत के ऊपर, पहली बार। अरे बिग बॉस मेरा डॉक्टर साहब को देखे हम लोगों ने, हाँ डॉक्टर को देखे। राखी को मेडिकल रूम में गए, डॉक्टर आके पूछता है और रो रही है। अब गाइस वापस आती है, वापस आने के बाद जैस्मिन भी अपना सर वहां पटकना शुरू कर देती है एंड कल आएगा जूली का बदला। तो कल गाइस एक सीजन था, आई थिंक कुछ लड़कियों ने मिलकर राहुल श्रीवास्तव जो था, राहुल महाजन, राहुल वैद्य नहीं, राजू श्रीवास्तव सॉरी, हाँ, तुम्हारे पेट में कब्ज है क्या, उसकी चड्डी खींच दी थी, अंडरवेयर पूरा नंगा कर दिया था राहुल, राजू श्रीवास्तव का। आई स्टिल रिमेम्बर वो सीजन काफी फेमस था। अब कल जूली के बदले में राखी सावंत राहुल महाजन की जो धोती है उसको उतार देगी एंड यहाँ पे अली एंड राहुल कहेंगे कि आपकी हिम्मत कैसी हुई, आपने एक पुरुष की धोती उतार दी। अरे भाई हसिया मत बदतमीज, पिछले सीजन में एक पुरुष थे, महापुरुष कह सकते हैं भाई, जिनका नाम नचबलिया था, उनके पिछवाड़े पे पैन पड़ गया था। और बोलो और बोलो, अरे बच्चन सर टाई खुद पहन नहीं सकता है, तेरा बीवी टाई पहना था तेरे को, हमारे बारे में बोलेगा पाकसला है। तो गाइस यहाँ पर अली कहेगा कि तुम एक पुरुष को धोती उतार रही हो, ये हरकत अगर पुरुष करेगा तो कैसा लगेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर फिर से राखी अपने आप को मार रही है एंड राखी कहती है मैं यहाँ पर उसका भी सर तोड़ के उसको जवाब दूंगी। महाजन यहाँ सपोर्ट में आता है एंड जैस्मिन को कहता है कि तू टेंशन मत ले, तू उसके लफड़े में मत पड़। एंड राखी सावंत एंड राहुल महाजन बोलते हैं कि बिग बॉस को देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अब आरशी पड़ गई है यहाँ पर राहुल वैद्य के पीछे, बोलती है नल्ले तेरे को वीकेंड के वार पे देखती हूँ। आई डोंट थिंक सलमान खान ये टॉपिक निकालने वाले हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई बॉडी शेमिंग हुई है, उन्होंने उसको भारी बर्तन बोला है। एंड राहुल वैद्य बिंदास रहता है, कहता है कि हाँ देख लेंगे तेरे को, मैं भारी बर्तन बोला हूँ तेरे को, ज्यादा कुछ नहीं बोला हूँ तेरे को, हाँ। राशि बोलती है फट्टू फाड़ दूंगी तेरे को, फाड़ दूंगी। राहुल वैद्य कहता है फाड़ना फाड़ना राशि फाड़ना, हाँ। बिग बॉस कहता है अरे भैया हमने आपको पहले ही कहा था
के कार्य में किसी के बदतमीजी मत कीजिए। आपने जिस तरह से राखी को मारा है वो काफी निंदनीय है जैस्मिन, लेकिन आपका इंटेंशन उनको हर्ट पहुंचाना नहीं था। तो बिग बॉस ने कहा उनका इंटेंशन उसको हर्ट पहुंचाना नहीं था, इट वॉज अ मिस्टेक, ए वार्निंग है। अब टास्क में गाइज राखी को छूट दी गई है दवाई ववाई लेके साइड में बैठने के लिए, उनका डिसीजन है कि वो खेले या नहीं खेले, लेकिन बाकी के बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर सो नहीं सकते। तो ये टास्क गाइज जागने का टास्क है, रात भर जब तक वो लाइट वाइट बंद नहीं करते जो भी है जागना है, एंड सबकी रखवाली करेंगे, ना 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 देन ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के सबसे बड़ा गुप्तिया गुप्ती यहाँ पर चेकिंग करेगा, वो इंसान सबसे ज्यादा सोता है। एंड गाइज यहाँ पर जैस्मिन रोना शुरू करती है, कहती है बिग बॉस ने मेरा नाम क्यों फंसा दिया, राखी ने अपना खुद का सर फोड़ा ना। राहुल वैद्य कहता है बस कर दो यार, कल देखेंगे कल क्या होगा। आज के एपिसोड में यही था भाई, राखी भूत बनती है, जैस्मिन उसके साथ में मुंडी पिनाती है, अर्शी और राहुल वैद्य का झगड़ा होता है, यहाँ पर रूबीना भी बीच में आ जाती है, यह इसका झगड़ती है। काफी डिसेंट एपिसोड था, काफी ओवर द टॉप था, ऑल इन ऑल एंटरटेनिंग एपिसोड था। ओके गाइस एपिसोड पसंद है प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अमन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।